करो जी रसना पवित्र आखो जी धन धन बाबा दीप सिंह जी, धन धन बाबा दीप सिंह जी। गुरु प्यारियो, आप जी दे अपने चैनल सांझ विचार दे विच आप जी का बहुत बहुत स्वागत है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इस तो पहला दी वीडियो दे विच आप जी ने बहुत जानकारियां हासिल कीतियां ने, जिन्हां करके गुरु साहिब जी की कृपा करके आप जी ने गुरबाणी दे पाठ वड्डी मर्यादा दे नाल सौखे ढंग दे नाल आप जी ने कीते ने। गुरु साहिब जी ने अपने आप ही आप जी संगतां तों सेवा लिती है। आउण वाली वीडियो दे विच असी होर साढ़े जड़े भरम ने, भुलेखे ने, संके ने, उन्हां बारे गलबात करांगे। जे चैनल ते नवे हो, चैनल सबसक्राइब करन दी कृपालता करनी, वीडियो लाइक शेयर कमेंट करन दी कृपालता करनी। आप जी दे शेयर करन दे नाल किसे होर दा भी भला हो सकता है, किसे होर दा भी कार्य संपूर्ण हो सकता है, आप जी नूं भी उस दे कारण बहुत आप जी दे विकार जे संपूर्ण होणगे, खुशियां प्राप्त होणगियां। सो गुरु प्यारियो, अज दी वीडियो शुरू करदे हाँ। अज असी चौपहरा साहिब कट्टण वेले या कोई भी पाठ करन वेले केड़ी केड़ी गल्लां दा ध्यान रखना है, बहुत जरूरी गल्लां आप जी दे नाल अज करांगे, आप जी दे नाल सांझ करांगे कि गुरबाणी दा पाठ करदे होया या चौपहरा साहिब कटदे होया, सुखमनी साहिब जी दा पाठ करदे होया, तो कोई भी गुरबाणी दा पाठ करदे होया, असी किन्हां जरूरी गल्लां दा ध्यान रखना है। गुरु प्यारियो, सब तो पहला गल असी करते हैं चौपहरा साहिब जी की। चौपहरा साहिब कट्टण तो पहला या चौपहरा साहिब जी का पाठ करन तो पहला साढ़े मन विच गुरु दे लई, गुरु दे सिखां दे लई, शहीद सिंघां दे लई बहुत प्यार होना चाहिदा है। गुरु साहिब ते शहीद सिंघां ते विश्वास होना चाहिदा है, श्रद्धा होनी चाहिए है। जे गुरु ते या शहीद सिंघा ते विश्वास नहीं, प्यार नहीं, तां साडे किते होए किसी भी पाठ दा सानू कोई भी लाभ नहीं पहुँचना है। इस करके मन विच विश्वास अते प्यार श्रद्धा बहुत जरूरी है। जदों भी पाठ करदे हाँ, किसी भी प्रकार का पाठ करदे हाँ, सुखमनी साहिब करदे हाँ, नितनेम करदे हाँ, चौपहरा साहिब कटदे हाँ या सहज पाठ करते हाँ, कोई भी गुरबाणी पढ़ते हाँ, तो मन विच प्यार विश्वास अति जरूरी है। दूजी गल है कि जदों भी असी पाठ करन वास्ते बहना है या चौपहरा साहिब कटना है, इसनान करना है, इसनान करन तो बाद ही पाठ करना है या चौपहरा साहिब कटना है। जे इसनान करन दे योग नहीं, कोई किसी प्रकार का रोग है, शरीरक रोग, कोई बुखार है या कोई होर गल है, मतलब कि जे इसनान करन दे असी योग नहीं हाँ, अपन जे इसनान ना करके भी पाठ कर सकते हैं, पर जे असी योग हाँ कि इसनान कर सकते हैं तो इसनान जरूरी है। पाठ करन तो पहला असी चंगी तरह मल मूत्र त्याग के पाठ करन लई बैना है। जदों भी असी कड़ा प्रसाद की देग बनाते हैं, बड़ी पवित्रता दे नाल, बड़ी सुचमता दे नाल देग बनानी है, तो बाणी पढ़ते होया गल्लां करदे होए नहीं, गुरबाणी पढ़दे होया कड़ा प्रसाद की देग बनाउणी है। पंजवी गल, जदों भी असी पाठ करना है, नाल सिर पाओ रुमाल या मेरी भैणा चुन्नी लै सकदे ने, नाल सिर पाओ रुमाल या चुन्नी रखनी है, क्योंकि पाठ करदे होया शरीर ते कदे खुरक हो जावे तो असी रुमाल नू हाथ विच लै के रुमाल दे नाल खुरक कर सकदे हां, या खंघ आ जावे या कोई छींक आ जावे तो असी रुमाल दे नाल या चुन्नी दे नाल सिर पाओ दे नाल मूँह ढक सकते हैं। तो जदों भी पाठ करना है, रुमाल चुन्नी या सिर पाओ नाल रखना अत जरूरी है। चौपहरा साहिब करदे होया या नितनेम करदे होया, जिदा कि एक बाणी का पाठ हो गया है तो दूजी बाणी असी शुरू करनी है, फिर यह नहीं करना कि एक पाठ हो गया है विच असी कोई गलबात कर लईए। जदों घरों होंदे कि कोई बच्चा पुछदा ये समान कित्थे है, वह समान कित्थे है, तो पाठ दे विच असी बोलना नहीं है जदों तक पाठ संपूर्ण ना हो जाए। सातवीं गल यह है ध्यान रखना योग, जे असी चौपहरा साहिब लगातार सुखे ने के पंज सुखे ने या सत सुखे ने, तो असी लगातार हर संडे नूं चौपहरा साहिब कटना है।
जे असी एवें ही अरदास की है कि जिन्ना भी हो सके मैं अरदास करता हाँ कि मैं चौपहरा साहिब कट्टांगा जिन्ने भी मेरे कोल होणगे तां गल वखरी है, पर जे सुखे ने कि मैं पंज चौपहरा साहिब कट्टांगा या सत कट्टांगा तां लगातार ही चौपहरा साहिब कट्टणे ने, क्योंकि जदों असी गुरु नूं या शहीद सिंघां नूं कोई गल सुखदे हाँ भाव असी उन्हां नूं असी जबान दिंदे हाँ कि मैं इन्ने दिन चौपहरा साहिब कट्टांगा, तां असी जबान दिंदे हाँ, सानूं अपनी जबान ते टिके रहना चाहीदा है, मुकरना नहीं चाहीदा है। पाठ करदे समय जदों असी पानी दी किसी नूं प्यास लग जांदी है तां एक हाथ विच गुटका साहिब हुंदा है ते दूजे हाथ दे नाल पानी पी लैंदे ने, ऐसा नहीं करना है। जे आप जी नूं पानी दी प्यास है तां पाठ करन तों पहलां असी पानी पी के चंगी तरां तैयार हो के पाठ विच असी बहना है, विच एक हाथ विच गुटका साहिब दूजे हाथ दे नाल असी पानी नहीं पीना या कोई होर कार्ज नहीं करना। जदों असी पाठ कर रहे हां तां असी पाठ ही करना है। नौवीं गल ध्यान रखण यह है कि असी जदों जोत जगांदे हाँ, जे असी सक्षम हैगे हाँ, तैयार हाँ कि साडी जोत जगाई हुई चार घंटे आराम दे नाल चल जाएगी, जग जाएगी तां ठीक है। जे सानूं डर है कि चार घंटे तो पहला कोई गल ना हो जाए तां असी जोत नहीं जगाउणी है। जे सानूं विश्वास है कि चार घंटे असी जिहड़ी जोत जगाई है चल जाऊगी तां जगा दो। जे आप जी नूं कोई डर है कि विच जोत साहिब जोत बुझ ना जावे तां असी जोत नहीं जगाउणी। दसवीं गल ध्यान रखण यह है कि जदों असी देग नूं भोग लगाउंदे हाँ, जदों असी कहिंदे हाँ कि गुरू साहिब जी भोग लगाओ, असी उसे टाइम भी कृपान श्री साहिब भेट कर सकते हाँ ते बाद विच अरदास पूरी होने तो बाद भी असी कृपान भेट कर सकते हैं। इस विच कोई वहम नहीं करना है किसी ने भी। सो गुर प्यारियो, असी अज समझा है कि चौपहरा साहिब कटदे होया या होर कोई भी बाणी का पाठ करते होया, नितनेम करते होया पंज बाणियां का या सुखमनी साहिब जी का पाठ करते होए या सहज पाठ करते होए गुरबाणी दा पाठ करदे होए असी किन्ना किन्ना गल्लां दा ध्यान रखना है। ऐसी ही जानकारी आप जी नूं अगे भी वीडियो विच दिंदे रहांगे। जे चैनल ते नवे हो चैनल सबसक्राइब करन दी कृपालता करनी, वीडियो लाइक शेयर करन दी कृपालता करनी जी। गुरु पातशाह जी सब नूं चढ़दी कला बख्शण, गलतियां भुल चुकां दी खिमा जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।